बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे उसका समरी, वहां पर बैंकिंग फाइनेंस और उसमें बैंकिंग सेक्टर की आज बात कर रहे थे। ब्रेक में जाने से पहले हमने अब तक बात करी कि ये सर्वे होता है उसके दो वॉल्यूम, वहां पर कितने चैप्टर और क्या समरी थी उसमें, और उसके बाद आता है बजट, तो कौन कौन से उसमें से चीजें अब्सॉर्ब की गई और ये सारे इनके चैप्टर्स और पिलर्स वो अपने सिक्स पिलर्स के अंदर कैसे फिट होते हैं, बैंकिंग फाइनेंस, अपना बजट बैलेंस ऑफ पेमेंट, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एचआरडी, राइट। उसके बाद बात आई चक्रव्यूह चैलेंज की कंपनियां शुरू तो हो जाती है बट दे आर नॉट एग्जिटिंग, और उसके चलते लैंड लेबर कैपिटल वो एफिशिएंट फॉर्म में तब्दील नहीं हो पा रहा है, और उसके चलते बहुत सारे पॉलिटिकल कॉस्ट, फिजल कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट अपने को देखने को मिलते हैं, और अंत में बहुत बड़ी समस्या है ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम या चैलेंज पब्लिक सेक्टर बैंक में देखने को मिलता है लार्ज कॉर्पोरेट्स। एमसीक्यू यहां से भी हो सकता है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम इज ऑब्जर्व्ड इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स लार्ज कॉर्पोरेशन आरआरबी, ये वो करके ओनली वन एंड टू, तो आप जोड़ सकते हो। अब आगे ये जो दोनों के बैलेंस शीट में प्रॉब्लम था, तो हमने सबसे पहला देखा कि सरकारी बैंकों को क्या तकलीफ थी, थोड़ी थियरी में गए कि स्टैंडर्ड एसेट से लेके एनपीए और उन सबका क्लासिफिकेशन डेफिनेशन समझा, और ये रिकवरी करने के लिए तीन आर अपने पास थे कि रेक्टिफिकेशन, रिस्ट्रक्चरिंग और रिकवरी अंडर सरफाइसी एक्ट। लेकिन हमने ये पाया कि सरफाइसी और डीआरटी के अंदर तो काफी सारा केस पेंडेंसी रहता है, तो सरकार ने इसके बाहर आर्बिट्रेशन मांडवाल के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2015 लेके आए, उसके क्या सेलियंट फीचर थे, ब्रेक से जाने से पहले हमने ये भी समझ लिया। आगे कि ये सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट में ये प्रॉब्लम और ये कुछ दवाइयां, उसके सामने कॉर्पोरेट सेक्टर, तो वहां पर टेक्सटाइल, माइनिंग, स्टील, इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन, उन सबको क्या तकलीफ थी उसके बातें करी, और ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है उसकी दवाई करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे में जो सुझाया गया है 4 R's and 4 D's वो क्या है डिटेल में चर्चा करी विद स्पेशल फोकस ऑन दिस पार्सल नॉर्म्स, और उसमें 1.8 लाख करोड़ का कैपिटलाइजेशन चाहिए होगा, 70,000 करोड़ सरकार देगी और बाकी का मार्केट से आप कैसे लेके आओगे वगैरह वगैरह। अब आगे बढ़ते हैं बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स नरसिम्हन 3, एक हुआ था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, राइट, उसके जरिए तीन चीजें बाहर आई, गरीब देशों को लोन लेने के लिए क्या वर्ल्ड बैंक आया, सभी देशों की बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम ना हो और उसके लिए क्या है IMF, और इंटरनेशनल ट्रेड को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहला है जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड GATT जो आगे चल के बना WTO, राइट। तो मतलब ब्रेटन वुड्स फर्स्ट टाइम जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसके जरिए हमको मिला एक की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। फिर बहुत एक्सपर्ट ये लोग सोचते हैं कि ये ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन वो ठीक से अभी काम नहीं कर रहे और वी रिक्वायर सेकंड ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कि अब और कुछ बढ़िया हो जाए। सेम वे की अर्थ समिट ड्रायोडी जनवरी में हुई थी या 1992, उसमें उसके आगे फिर और कुछ करना है तो 20 साल बाद रायो प्लस 20 कर दिया, फिर की क्योटो प्रोटोकॉल है तो उससे भी कुछ आगे बढ़ना है तो अभी ये अपना पेरिस समिट और मतलब कि क्योटो सेकंड ऐसा कुछ होना चाहिए। सेम वे बैंकिंग सेक्टर की हम बात करें, आजादी के बाद बैंकों का नेशनलाइजेशन और सिस्टम खड्डे में गई, तो अर्ली 90s में नरसिम्हन कमेटी बनाई गई और फिर वापस सेकंड बार उसे बनाया गया इन द ईयर 1998। तो उस वक्त वो क्या बोल के गया L1P7 के अंदर हमने पहले वो थियरी में पढ़ा दिया है। मोटे मोटे रूप से बात ये थी कि अभी का हम जो भी बैंकिंग सेक्टर भारत में देख रहे हैं उसका पितामह या उसका मास्टरमाइंड M. नरसिम्हन था, कि सरकारी बैंक भी होनी चाहिए तो उसके सामने प्राइवेट बैंक को भी आप दीजिए अनुमति, फॉरेन बैंक को भी दीजिए, RBI ने वो माना, अलग अलग बहुत सारी बैंक आई। फिर कि सरकारी बैंकों में सरकार ने अपनी शेयर होल्डिंग धीरे धीरे कम करनी चाहिए, CRR SLR को धीरे धीरे कम करना चाहिए। फिर पहले RBI और सरकार नक्की करती थी कि ये बैंक कितने का लोन इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, तो वो भी बैंक को खुद तय करने की अनुमति होनी चाहिए, बैंकों की ब्रांच भी उनको खुद से खोलने की अनुमति होनी चाहिए वगैरह वगैरह। सो प्रेजेंट बैंकिंग स्ट्रक्चर भारत का है ये नरसिम्हन 1 और 2 की उपज है, लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां हमने देखी, खास करके ये NPA वाली तकलीफ। तो फिर से अभी और रिफॉर्म की आवश्यकता है, उसे हम क्या बोल सकते हैं नरसिम्हन 3, लेकिन उसमें तकलीफ है कि ये नरसिम्हन ही वॉज बॉर्न अराउंड 1920s, तो अभी वो 90 साल का होगा तो वो तो खुद से नहीं कर सकता, बट और क्या क्या करना है ऐसी कुछ बातें चलती हैं। सबसे पहले 2014 में RBI ने बनाई P.J.Nayak कमेटी, वो बोल के गया कि बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी होनी चाहिए और बैंक बोर्ड ब्यूरो होना चाहिए, एक बात। दूसरा 2015 में पुणे के अंदर ज्ञान संगम रखा गया, एक ऐसा कॉन्फ्रेंस कॉन्क्लेव, सरकार, NBFC, बैंक और वो सब लोग जमा हुए, वहां पर ये बात मानी गई कि हाँ ये बैंक बोर्ड ब्यूरो तो होना चाहिए। फिर
आगे चल के 2015 अगस्त के अंदर ये इंद्रधनुष स्कीम आई, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला और उसके अंदर भी ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की साथ कुछ हम रिफॉर्म्स लेंगे सरकारी बैंकों को पुनर्जीवित करने के लिए। और उसके बाद 2016, अब देखिए 2015 का ज्ञान संगम हुआ पुणे में, 2016 का ज्ञान संगम मतलब ज्ञान संगम नंबर टू वो हुआ गुड़गांव में, और उस पे वो बोला गया कि बैंक कंसोलिडेशन करना है। अभी गुड़गांव था, फिर अभी उसका नाम बन के हो गया है गुरुग्राम। क्यों? क्योंकि आपको पता है द्रोणाचार्य कोचिंग क्लास चलाते थे वहां पर, पांडव और कौरव दोनों आते थे, तो पांडव लाख रुपए फी नहीं, हम आपको ये गांव देते, उसका रेवेन्यू आप कलेक्ट कर लेना, दैट वाज गिवन एज गुरु दक्षिणा, तो गुरुग्राम हो गया। और ये अपना इंद्रधनुष क्या है, तो उसमें सात चीजें बताई गई, अपॉइंटमेंट, बैंक बोर्ड, ब्यूरो, कैपिटलाइजेशन, एक्सवाइजेड, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली है, बाकी का थोड़ा निचोड़ना है वो अभी निचोड़ लेते हैं। ओके, तो मतलब बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म या नरसिम्हन 3 या फिर की फ्यूचर बैंकिंग इंडस्ट्री कैसे होनी चाहिए, तो इसके आगे पीछे कुछ बात करनी है। मोटे मोटे तौर पे एक तो ये कि एनपीए की समस्या और उससे लड़ना है तो 4R and 4D करना होगा, वो क्या हमने अभी ब्रेक के पे जाने से पहले देख लिया, रिकॉग्निशन, रिजोल्यूशन एंड सो ऑन। फिर एक बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी होनी चाहिए, सीएमडी पोस्ट का बायफर्केशन करो, बैंक और ब्यूरो बनाओ, बैंक कंसोलिडेशन करो और कुछ मिसेलेनियस टॉपिक्स। तो मतलब ये पीजे नायक जो बोल के गया, इंद्रधनुष जो बोल के गया, ज्ञान संगम पहली दूसरी में जो जो चर्चा हुई उसके प्रमुख बिंदु, वो इतने बॉक्स में थोड़े थोड़े मुद्दे याद कर लिए तो अपना ये जवाब रेडी हो गया। सबसे पहले बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी, 2014 के अंदर आरबीआई ने पीजे नायक कमेटी बनाई। ये पीजे नायक एक्सिस बैंक में पहले काम करते थे, उन्होंने ये बोला कि एक बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई जाए, और ये जो सरकारी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, पीएनबी और सभी, उसमें आपको पता है सरकार इज द मेजोरिटी शेयर होल्डर, तो वो सरकार अपने जो जो यहाँ के शेयर हैं वो सारे वो दे दे इसको बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी को। ओके, तो मतलब ये क्या हो गई, उसका बाप हो गया, होल्डिंग कंपनी हो गई, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई, और उसके नीचे ये सारी बैंकें क्या हो गई, उसकी सब्सिडियरी कंपनी हो गई। ऐसा करने से क्या फायदा कि अब इधर जो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या इनकी जो जो पॉलिसी होगी वो बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी और उसके अंदर जो जो प्रोफेशनल टीम होगी वो तय करेगी, तो सरकार का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर उसकी मनमानी नहीं चलेगी, तो हायर एफिशिएंसी, हायर प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट रिफॉर्म इज बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी। फंडा क्या है, सरकार अपने सरकारी बैंकों के शेयर उसको डाल दे और वो एक होल्डिंग कंपनी हो जाए और नीचे सारी सरकारी बैंक उसकी सब्सिडियरी कंपनी हो जाए, राइट। और उसके ये फायदे, करंट स्टेटस क्या है, 2015 दिसंबर में सरकार ने बोला कि हाँ हम लोग ये सोच रहे हैं और ऐसा कुछ करेंगे भविष्य में, एक बात। दूसरों, बायफर्केशन ऑफ सीएमडी पोस्ट, कोई भी बैंक शुरू होती है तो बैकएंड में कोई कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर है, राइट। तो मतलब कि कुछ शेयर होल्डर होंगे, उसके ऊपर होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और उसका एक होगा चेयरमैन। अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें से एक डायरेक्टर को वो बोलेंगे कि तुम मैनेजिंग डायरेक्टर हो और डे टू डे की फायर फाइटिंग भी तुम करो, मतलब तुम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हो, सो एमडी एंड सीईओ। अभी ये है शिखा शर्मा, तो ये कौन सी बैंक चलाएगी, एक्सिस बैंक। ये पैसा आपका डिपॉजिट में लिया, लोन में घुमाया, स्वाभाविक है इसमें से बैंक को प्रॉफिट हुआ, वो सारा फिर ये बोर्ड तय करेगा कि उसमें से कैसा कितना पैसा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में देना है, कितना क्या करना है। ओके, तो इधर ये प्राइवेट कंपनियों, प्राइवेट बैंक के अंदर क्या है, बोर्ड और उसका एक चेयरमैन अलग होता है, एमडी और सीईओ अलग होता है, दो अलग अलग लोग काम देखते हैं और उसके चलते वो एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, ये प्राइवेट बैंक की बात। उसके सामने सरकारी बैंक में क्या होता है, सरकार इज द मेजोरिटी शेयर होल्डर, फिर कुछ और लोग होते हैं शेयर होल्डर के ऊपर, हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और उसका एक चेयरमैन होता है। फॉर एग्जाम्पल ये है एस एस मुंद्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा में थे, और यही चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर भी होता है और वो ही डे टू डे फायर फाइटिंग भी देखता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये भी अपना ऑपरेशन करेगा और वहां से होगा प्रॉफिट, खैर अब तो खास हो नहीं रहे हैं, और वहां से होगा डिविडेंड और फिर इनको जाएगा। दिस इज सरकारी बैंक के अंदर क्या है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एक है। तो बायफर्केशन जब मैं बोलूं तो उसका मतलब क्या, दो अलग अलग आदमी होने चाहिए। तो हाँ, ये इंद्रधनुष प्लान के अंतर्गत सरकार ने माना यस ऐसा करेंगे कि बायफर्केशन भी करेंगे। तो आप देखिए अब बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ ऐसा दिखता है कि नीचे शेयर होल्डर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और उसका नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ये रवि वेंकटेशन, जो कि पहले इंफोसिस के अंदर एसोसिएट थे, ये एक आदमी। और ये बोर्ड के अंदर से एक बन गया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, ये आदमी है पीजे जय कुमार, जो कि पहले एक हाउसिंग फाइनेंस वाली एनबीएफसी में काम करते थे। अब ये मतलब कि बैंक ऑफ बड़ौदा ये काम करेगा, प्रॉफिट होगा, डिविडेंड और चलेगा। तो क्या हुआ, एक तो चेयरमैन और एमडी बायफर्केट हो गए। दूसरी बात ये हुई,
कि प्राइवेट सेक्टर के प्राइवेट बैंक और प्राइवेट फाइनेंस का एक्सपीरियंस रखने वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और वहां भी बन सकते हैं। मतलब इंद्रधनुष ने क्या कराया, बाइफर्केशन ऑफ सीएमडी पोस्ट प्लस प्राइवेट प्रोफेशनल्स कैन आल्सो अप्लाई फॉर द हाई पोस्ट इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इसे क्या रिवाइटलाइजेशन आए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी बढ़े। अब सवाल होगा कि ये लोग हैं इनको पसंद कौन करेगा, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? यूपीएससी कर नहीं सकती क्योंकि फिर वो पूछेंगे ये बुद्धिज्म और जैनिज्म की ये कौन सी शिला कहां से पा गई है। तो हु विल सिलेक्ट दिस पीएसबी बैंकर्स इन अ प्रोफेशनल मैनर, सवाल हुआ। तो जवाब उसका हुआ बैंक बोर्ड यूरोप बीबीबी। सबसे पहले आरबीआई की ये जो पीजे नायक कमेटी थी उसने बोला 2014 में कि हाँ एक बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी अलग से होनी चाहिए राइट, और ये दूसरा की बैंक बोर्ड ब्यूरो होना चाहिए। तो ये उसकी सिफारिश करके गए 2015 में, ये सब लोग जमा हुए ज्ञान संगम वन पुणे के अंदर, तब भी ये बात हुई कि हाँ ये होना चाहिए। 2015 बजट में बोला कि हाँ ये करना है और 2016 अप्रैल से ये लोगों ने काम शुरू किया। स्ट्रक्चर क्या है बैंक बोर्ड ब्यूरो का, 1 अप्रैल 2016 से लागू। सबसे ऊपर बैठा है चेयरमैन, कौन है, विनोद राय फॉर्मर सीएजी। फिर तीन मेंबर होंगे, तीन मेंबर में ये बैंकिंग फाइनेंस का अनुभव रखने वाले कुछ लोग हैं, अपने लिए नाम काम के नहीं, बैंक और स्टाफ सिलेक्शन में कुछ पूछ सकते हैं पर्सन इन न्यूज के नाम। फिर तीन एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो मतलब आप किसी पोजीशन में है, कोई पोस्ट है आपके पास और उसके जरिए ही आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य बन जाए, दैट इज एक्स ऑफिशियो। तो यहां पर जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज उसका सेक्रेटरी होगा आईएएस, फिर आरबीआई का जो डेप्यूटी गवर्नर होगा और पब्लिक एंटरप्राइज डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी होगा अगेन आईएएस, ये तीन लोग यहां पर जो जो पोस्ट में होंगे वो अपने आप एक्स ऑफिशियो इस ऑर्गेनाइजेशन का भी भाग बन जाएंगे। और एक अलग से होगी सर्च कमेटी कि जो ढूंढे कि हाँ ये पोटेंशियल, ये प्राइवेट सेक्टर का बैंकिंग फाइनेंस का एक्सपर्ट ये आ जाए तो ये बढ़िया रहेगा, ऐसा कुछ शॉर्ट लिस्ट वगैरह करने के लिए। तो सर्च कमेटी अलग से होगी जिसका बॉस होगा आरबीआई गवर्नर और दो वहां पर भी एक्स ऑफिशियो टाइप के, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज उसका सेक्रेटरी जो भी आईएएस है और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी उसका जो भी आईएएस। तो ये तीन जने मिल के उनकी सर्च कमेटी और वो नाम और फिर आगे ये चलता रहे। इधर टर्म क्या है, चेयरमैन और ये जो मेंबर है ये 2 साल के टर्म के लिए आएंगे। कॉन्ट्रोवर्सी विनोद राय की चल रही है, ये क्या है फॉर्मर सीएजी और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148(4) ये बोलता है कि सीएजी इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, तो ये इसको इधर नियुक्ति दी गई तो दैट इज नॉट गुड, चल रहा है अभी ठीक। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो काम क्या करेगा, फंक्शन एक एक करके देखते हैं। पहला काम है सर्च एंड सिलेक्ट, कौन कौन, हेड्स ऑफ पीएसबी मतलब कि एमडी एंड सीईओ एक ही आदमी होगा उसको पसंद करो। सेकंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसका जो चेयरमैन होगा नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन उसको पसंद करो। फिर फुल टाइम डायरेक्टर कौन कौन से होने चाहिए, ये तीनों को पसंद करने का काम बीबीबी का है। सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म, याद करो पीजे नायक बोल के गया कि बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी होनी चाहिए, इट विल बी अ होल्डिंग कंपनी, सरकार अपने शेयर वहां डाले और नीचे सब्सिडरी के रूप में सभी बैंक काम करें। तो वो जो होल्डिंग कंपनी बनानी है उसको बनाने में ये बीबीबी वाले मदद करेंगे, बीबीसी गलत लिख दिया। सेकंड बैंकों का कंसोलिडेशन किया जाए, मर्जर एंड एक्विजिशन, ये सरकारी बैंक अभी कितने हैं, 22 सरकारी बैंक प्लस एसबीआई के 5 एसोसिएट बैंक कुल मिला के 27, उसे कम करके इच्छनीय है कि 10 के इतने ही बैंक हो तो एफिशिएंटली काम हो पाए, तो ऐसा कुछ करने में भी ये बीबीबी मदद करेगा। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स कैसे, एक तो कि ये एनपीए में से पैसा हम वापस कैसे निकाले वहां पर कुछ मदद करो, और बासेल नॉन के अंदर 1.8 लाख करोड़ लेके जो आने हैं तो वो रिकैपिटलाइजेशन की कैसे हम काम करें वहां पर भी ये मदद करें। एंड लास्टली अकाउंटेबिलिटी, ये बैंक बोर्ड ब्यूरो वो सरकार और सरकारी बैंकों के बीच एक कड़ी का काम करेगा, तो वहां पर जो भी गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी उस प्रकार के नीतिगत निर्णय यहां पर कुछ सोचे जाएंगे, दैट इज बीबीसी ठीक है। तो हम लोग बात करें नरसिम्हन 3 बैंकिंग सेक्टर में आगे क्या रिफॉर्म होने चाहिए, ब्रेक से पहले 4R 4D समझ लिया, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम वो सब आ गया, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई वो भी हमने समझ लिया, देन बाइफर्केशन ऑफ सीएमडी पोस्ट ये भी दिमाग में बैठ गया, बैंक बोर्ड ब्यूरो होना चाहिए ये भी बैठ गया, अभी बात होगी बैंक कंसोलिडेशन और फिर मिसेलेनियस। बैंक कंसोलिडेशन क्या और कैसे, आजादी के बाद 2 राउंड में बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया राइट, लेकिन फिर वो नेशनलाइजेशन के जरिए बैंक एक खड्डे में चली गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तक पहुंचे, फिर सरकार की आंख खुली, नरसिम्हन 1 बनाया फर्स्ट टाइम कमिटी। तो एम नरसिम्हन ये बोलने के गया कि फॉरेन बैंक भी होना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर बैंक भी होना चाहिए, आरबीआई ने वो बात मानी, 93 में काम किया, अर्जियां मंगाई तो कुल मिला के 10 लोगों को लाइसेंस दिया था, उसमें से 6 चली और 4 खड्डे में चली गई, कौन सी थी वो पुराने लेक्चर थ्योरी के देखते। आगे फिर से नरसिम्हन को फिर से बिठाया, तो नरसिम्हन 2 98 में उसने बोला कोई नहीं ये 4 भले खाड़े में गई बट
और हमको और प्राइवेट बैंक चाहिए, तो 2001 में वापस लाइसेंसिंग किया, कोटक और यस बैंक आई। उसके बाद नरसिम्हन को फिर से तो नहीं बुलाया, लेकिन 2013 में राजन भाई ने अर्जियां मंगवा ली, डीमन जालन कमेटी थी, बंधन IDFC, इन दोनों को मिला, प्राइवेट कमर्शियल बैंक की हम बात करें। तो ये तो उदय हो गया, लेकिन क्या है इससे कॉम्पिटिशन बढ़ा, जवाब है ना। देखिए, टेलीकॉम और सिविल एविएशन, इन सेक्टर्स को सरकार ने ओपन कैसे किया, वहां BSNL और एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन नहीं कर दिया, उनको बंद नहीं कर दिया, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दी गई और उससे हमको परिणाम अच्छा मिला, कंपटीशन बढ़ा। हाँ, और आज आप देखिए, मोबाइल भी सस्ता, इंटरनेट भी सस्ता, एयरप्लेन की मुसाफरी भी सस्ती है, तो इधर तो ये काम हुआ। अब सरकारों ने ये सोचा कि जैसा इधर टेलीकॉम और सिविल एविएशन में क्या, ऐसा ही हम बैंकों में भी करते हैं, मतलब जो एग्जिस्टिंग बैंक थी SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, उनको हम बंद नहीं करेंगे, उनको प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, लेकिन प्राइवेट प्लेयर को एंट्री देंगे। तो 3 राउंड में एंट्री दी गई, 10, 2, 3, ठीक। लेकिन हम पाते हैं कि LPG रिफॉर्म्स के बाद जितना भी भारत में ये ग्रोथ हुआ, इंडिया शाइनिंग, वो सारा ही प्राइवेट सेक्टर ने ग्रोथ हमको दिला है, राइट। लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले जो अपना कैपिटल लेके आए और वो बैंक वाला जो हिस्सा उन्होंने पाया, वो सारा वो लेके आए पब्लिक सेक्टर बैंक से, प्राइवेट सेक्टर बैंक से नहीं लेके आए, मतलब साइज के हिसाब से या जो भी गिनती करो, कॉम्पिटिशन इज स्टिल मिसिंग। और उसके चलते ये सरकारी बैंकों में एरोगेंस आ गया, वी आर टू बिग टू फेल, भले NPA हो जाए कोई नहीं, वो तो बैंक वाले हमको रिकैपिटलाइज करेंगे, हम तो हड़ताल पे चले जाएंगे, XYZ थिंग। तो ये टू बिग टू फेल मेंटालिटी इज प्रेजेंट अमंग द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन का वहां पर अभाव है, इसलिए बैंक कंसोलिडेशन की आवश्यकता है। लेमन टर्म्स में बोले तो ये जो 27 सरकारी बैंक है, उसमें से जो खड्डे में कोपचे वाले हैं, उनको कंबाइन के मर्ज कर दो कहीं ऊपर बड़ी बैंक को। ज्ञान संगम 2 गुरुगांव में हुआ 2016 में, वहां बात की कि हाँ ये बैंक कंसोलिडेशन की आवश्यकता है, सरकार ने बोला हाँ करेंगे, एक एक्सपर्ट पैनल बिठाते हैं, और SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, कैनरा बैंक, ये 4 सरकारी बैंक को हम ऊपर एंकर बैंक के रूप में रखेंगे, और नीचे खोपचे वाली जो बैंक है उसमें से कुछ यहाँ पर मर्ज करेंगे, कुछ देखते हैं ट्रायल एरर से क्या होता है, राइट। अब ये भी नहीं कि ये पहली बार कुछ सोचा है, इससे पहले भी 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और 2010 में ये स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, इन दोनों को SBI के अंदर ऐसे ही मर्ज कर दिया था, कंसोलिडेट कर दिया था। इससे फायदा क्या होता, ज्योग्राफिकल एंड टेक्नोलॉजिकल साइनर्जीज। ज्योग्राफिकल साइनर्जी कैसे, कि एक ही जगह पे दो बैंक उनकी ब्रांच कम्पीट कर रही है, तो नहीं अभी एक ही हो, फिर 25% रूरल ब्रांचिंग का मैंडेट है, तो वो भी अब जरा ऑप्टिमाइज होके चल सके। टेक्नोलॉजिकल साइनर्जी कैसे, दो सर्वर चलते उसके बदले अब एक ही सर्वर हो, और उस प्रकार से सारे अच्छे अच्छे काम। NPA भी कम होगा, अब सवाल ये कैसे, याद करो कोई भी स्ट्रेस एसेट NPA वगैरह चल रहा है, तो अपने पास 3 R थे, उसमें 3rd R था रिकवरी वाला, सर्फ ICU में जाके या बाहर मान वाल करें। जब भी आप ऐसे कुछ जाएंगे तो उसमें से आपको पूरा पैसा वापस नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल NPA में आपने माल्या का ऑफिस ले लिया और फिर वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच दिया, तो पूरा पैसा कोई रिकवर होने वाला नहीं। बट स्टिल वो जो बड़ी बैंक है, दे कैन अफोर्ड कि भले कबाड़ी में भी जाए तो थोड़ा पैसा हमको मिल जाए, हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे, छोटी बैंक वो नहीं कर पाएगी, और इसके चलते वो NPA का कभी रेजोल्यूशन आता ही नहीं। बड़ी बैंक बड़े नुकसान हो, चलो इसको छोड़ो और आगे बढ़ते हैं, उसके जरिए रेक्टिफिकेशन हो, अपना रिकंस्ट्रक्शन हो या रेजोल्यूशन, वो कर पाएंगे और उनका NPA कम होगा, और जब NPA कम होगा तो ऑटोमेटिकली उनको जो रिकैपिटलाइज करने की जो अपनी दिक्कत है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो प्रो आर्ग्यूमेंट ये चलेगा, हाँ ज्योग्राफिकल टेक्निकल साइनर्जीज होगी, NPA कम होगा, कैपिटलाइजेशन की आवश्यकता कम होगी। एंटी आर्ग्यूमेंट्स, बड़े सरकारी बैंक है वो छोटे सरकारी बैंकों को अपने अंदर लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाते, उनको कि उनकी जो खड्डे में गई बैलेंस शीट वो हम अपने अंदर क्यों डाले, और हमारी जो अच्छी बैलेंस शीट हो या प्रॉफिट है या हमारा तो कैपिटलाइजेशन ऊपर ही चला है 9% से, हम क्यों बिगाड़े। सो दे आर अनविलिंग, देयर इज ऑपोजिशन, और फिर उनके यूनियन का भी ऑपोजिशन होगा कि हमारे पोस्टिंग ट्रांसफर प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी में खटाका आएगा। SBI की बात करें, एक SBI है और उसके 5 एसोसिएटेड बैंक है, तो SBI जो मेन है मतलब अरुंधति भट्टाचार्य, उनका ये बोलना है कि हाँ वो बाद में देखेंगे, उससे अभी तो मेरे को कोई फायदा दिख नहीं रहा, देखते हैं ये समझते हैं। SBI 1 और उसके एसोसिएटेड बैंक 5, जो 5 एसोसिएटेड बैंक है, बॉटम लाइन इज ऊपर SBI बैठी है और ये जो एसोसिएटेड बैंक है उसकी 75% टू 100 शेयर होल्डिंग बड़ी बैंक के पास है। फॉर एग्जाम्पल ये 5 एक एक देखते हैं, मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर बना इन द ईयर 1913, किसने बनाया, मैसूर के महाराजा ने, किसकी सिफारिश पे बनाया, M विश्वेश्वरैया, ये कौन था, इसको भारत रत्न मिला था, इंजीनियर, ओके।
अब ये वाली जो बैंक है इसमें एसबीआई 90% शेयर होल्डिंग रखती है, मतलब एसबीआई ऊपर है, और ये क्या हुई उसकी सब्सिडियरी बैंक या एसोसिएट बैंक। अब ये भी कोई ठीक से चल नहीं रही, क्वार्टर थ्री 2015 इसका देखो 73% प्रॉफिट में फॉल आ गया। दूसरी बनी पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला 1970 में महाराजा भूपेंद्र सिंह। 41 में बनी स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, वहां का जो निजाम मीर उस्मान अली खान था, उसको ये हेकड़ी थी कि मेरे को अलग देश बनाना है। तो मतलब स्टेट बैंक को हैदराबाद वो क्या करेगी, लैंडिंग ऑपरेशन, डिपॉजिट ऑपरेशन प्लस सेंट्रल बैंक के रूप में भी काम करती थी। मतलब जैसे अपनी आरबीआई जो मनी सप्लाई का काम देखती थी, ये हैदराबाद की जो स्टेट बैंक थी वो उस्मानिया सिक्का, उनकी जो नेशनल करेंसी थी, उसका सर्कुलेशन वाला काम भी ये बैंक देखती थी। लेकिन फिर सरदार पटेल ने 48 में ऑपरेशन पोलो लगाया और इसको भी ठिकाना लगा दिया और हैदराबाद स्टेट बैंक को भी ठिकाने लगा। सो नाउ इट इज अ एसोसिएटेड बैंक ऑफ एसबीआई। एक दो तीन चौथी कौन सी है, जयपुर 43 में बनी बीकानेर, और वो दोनों फिर मर्ज हो गए, तो बीकानेर एंड जयपुर एक बैंक है, ये भी एक एसोसिएट है। एंड लास्टली स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर जो कि केरला के अंदर। तो ये पांच एसोसिएटेड बैंक है, एसबीआई उन सब में मेजोरिटी शेयर होल्डर है और ये नीचे काम कर रही है। कंसोलिडेशन कब होगा, ये सब लोग सीधे ऊपर मर्ज हो जाए और ऐसे पांच अलग नाम ना रहे, ऐसा पहले किया गया है। 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र वो ऊपर मर्ज हो गई एसबीआई में, 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर वो भी मर्ज हो गई। तो मतलब आप विजुलाइज करो, शेयर होल्डिंग है, सरकार इज द मेजोरिटी शेयर होल्डर कहां पर, एसबीआई मेन के अंदर, जहां चेयरमैन कौन है, अरुंधति भट्टाचार्य। और ये जो एसोसिएटेड बैंक है, हैदराबाद, बीकानेर, जयपुर, त्रावणकोर, मैसूर, पटियाला, उनकी शेयर होल्डिंग में मेजोरिटी शेयर होल्डर कौन है, एसबीआई खुद। तो इधर जो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ये अलग अलग है, मैनेजिंग एमडी 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 एमडी, और एसबीआई की अपनी जो बैंक है बड़ी वाली उसके अपने एमडी अलग है, कोर बैंकिंग का होगा, नेशनल बैंकिंग का, कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड सो ऑन। ठीक, तो इस प्रकार से ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, ये बाइफर्केशन ऑफ सीएमडी और उससे ये थोड़ा अलग से है। खैर, अब जब ये पूरा मर्जर एक्विजिशन कंसोलिडेशन हो जाए तो क्या होगा, ये सभी लोग खत्म, केवल एक ही एसबीआई होगी, उसका एक चेयरमैन और नीचे ये एमडी वगैरह काम देखेंगे। लेकिन ये एसबीआई चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ये बोलते हैं, अगर हमने ये मर्ज भी कर दिया तो हमारी बैलेंस शीट में कोई खास फर्क दिखने वाला है नहीं, इसलिए ये अभी हमारी प्रायोरिटी में नहीं है, भविष्य में कभी सोचेंगे। अपनी प्रायोरिटी में होना चाहिए परीक्षा में, हाँ बैंक की परीक्षा देनी तो ये सब जीके टाइप का याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज अपने लिए कुछ प्रीलिम में अजर्शन रीजनिंग टाइप का या फिर मेंस में कुछ पूछ ले तो फॉर्डर पॉइंट में लिख सकते हैं। सो नरसिम्हन थ्री की बात कर रहे थे, एक तो की एनपीए की समस्या 4R4D सर्वे वाले सुझा के गए, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाएंगे, सीएमडी पोस्ट को बायफर्केट कर देंगे, बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाएंगे, बना दिया, बैंक कंसोलिडेशन करेंगे, अब कुछ मिसेलेनियस। मिसेलेनियस में इंद्रधनुष ने बोला एम्पावरमेंट, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस के कुछ रिफ, कि सरकार ने सरकारी बैंकों के ऑपरेशन में कोई इंटरफियरेंस नहीं करना चाहिए, आप यहां जाके बैंक खोलो या यहां इनका लोन मेला लगाओ वगैरह नहीं करना चाहिए। सेकंड, इन सरकारी बैंकों ने कस्टमर और स्टाफ के लिए जो ग्रीवेंस रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसको और अपडेट करने की आवश्यकता है, और हर साल ये ज्ञान संगम कॉन्क्लेव हमने मीटिंग करते रहने चाहिए, जहां सरकारी बैंक वाले भी आए, दूसरे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट और सरकार खुद आए, और फिर कुछ नए विचार आए और हम और रिफॉर्म लेते चले। और बात इंद्रधनुष फ्रेमवर्क के जरिए एक चीज है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर केपीआई, मतलब सरकारी बैंक उसका मूल्यांकन सरकार कैसे करेगी, 100 मार्क के ये कुल मिला के 4 सेक्शन है जिसका टोटल होगा 100 मार्क, कि आपकी बैंक की एसेट्स कितनी है, उसके अंदर आपकी एसएमए कितना है, एनपीए कितना है, प्रधानमंत्री जनधन में आपने कितना पैसा घुमाया, और ये अपना लोन फार्मर्स को आप कितना दे रहे हैं, लाइक दैट। तो कुल मिला के आप एडिशन करो ये 100 मार्क आ जाएंगे, और उसमें से आपकी सरकारी बैंक को जितना अच्छा मार्क मिले उस हिसाब से उसका जो एमडी सीईओ है उसको पे पैकेज और बड़ा मिलेगा, एडिशनल परफॉर्मेंस बोनस दिया जाएगा। ऐसा क्यों, ताकि वो दिल लगा के चाव से काम करे और सरकारी बैंकों में भी प्राइवेट बैंक जितनी प्रोफेशनलिज्म आए। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक सर्वे वाली, और वहां सर्वे ने बोला एक चक्रव्यूह चैलेंज है कि अंदर जा सकते हैं लेकिन कंपनियां खत्म नहीं हो रही और उसके जरिए लैंड लेबर कैपिटल अच्छी फॉर्म में शिफ्ट नहीं हो रहा, दोहरे तुलन पत्र ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम सरकारी बैंकों में था, लार्ज कॉर्पोरेट में था, राइट, और उसकी दवाई के रूप में हम क्या करने वाले थे, सर्वे ने सुझा है 4R and 4D और बासेल नॉर्म्स की वहां पर डिटेल में बात करी कि सरकार इंद्रधनुष लेके आएगी वगैरह। और आगे बड़ा चित्र ये हुआ कि बैंकिंग सेक्टर में भविष्य के रिफॉर्म कौन से, तो नरसिम्हन थ्री चाहिए, उस हिसाब से ये पी.जे.नायक, ज्ञान संगम और वो सब कुछ बोल के गए थे। इन सभी चीजों का जिस्ट क्या है, ये जो ब्लू बॉक्स आप देख रहे हैं 4R 4D, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी, बाइफर्केशन, बीबीबी, बैंक कंसोलिडेशन एंड मिसेलेनियस, इतना अगर याद रह जाए तो मेंस इंटरव्यू में कुछ भी कहीं भी लिखना हो वो हो जाएगा। ठीक है, तो
हम लोग आज के सेशन में बात कर रहे थे बैंकिंग सेक्टर और वहां पर ये एनपीए ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बासेल नॉर्म्स ओआर इंद्रधनुष बीबीबी ये सारी बातें खत्म हुई। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो इस तरफ आएंगे मॉनेटरी पॉलिसी वहां पर कि आरबीआई तो ढेर सारा रिपो रेट अपना कम किया बट बैंक आर नॉट ट्रांसफरिंग उतना अपना लोन का इंटरेस्ट रेट क्यों कम नहीं कर रहे व्हाई देयर इज इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और उसकी दवाई के रूप में ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट क्या है और साथ ही साथ पढ़ लेंगे पीएसएलएल का नया फ्रेमवर्क सर्टिफिकेट्स नए डिफरेंशियल बैंक्स और सारी बातें। अगली बार आप आइएगा तो जो मैंने बताया कि आने से पहले ये L1 P2 से लेके P9 वाले लेक्चर्स आप देख के आना और बेस्ट रिजल्ट देखिए। आज मैंने आपको जो पढ़ाया है वो घर जाके आप सर्वे में चैप्टर पढ़ लेना वॉल्यूम 1 चैप्टर 1 उसमें बहुत सारी बातें हैं। ट्विन बैलेंस शीट तो एक स्मॉल बॉक्स ही है वो केवल बॉक्स देख लेना। फिर है वॉल्यूम 2 चैप्टर 1 चक्रव्यूह चैलेंज तो उसमें बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैंने सिलेक्टेड पोर्शन ही कवर किया बाकी का चक्रव्यूह चैलेंज देखेंगे जब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी देखेंगे। तो ये आज मैंने जो पढ़ा है आप घर पे पढ़ लेना सर्वे के चैप्टर पीडीएफ फाइल। अगले लेक्चर में आने से पहले मैंने जो बताया L1 P2 से P9 वो पढ़ के आना मॉनेटरी पॉलिसी और क्लासिफिकेशन प्लस डेली न्यूज़पेपर हिंदू इंडियन एक्सप्रेस वगैरह देखते रहो ठीक है। मिलते हैं अगली बार। Thank you.